नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2007 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो आज 15 साल हो गए इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए, तो काफी लंबा समय हो गया इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए। और कंपनी की अगर बात करूं तो मैं कंपनी ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज या तो फिर हम मैन पावर सर्विसेज जो है वो ऑफर करती है काफी सारी इंडस्ट्रीज को। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे इनका जो मेन सर्विस जो रहता है वो आईटी इंडस्ट्री को जो है ये अपनी प्रोवाइड करती है। आईटी के अलावा हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग, तो ये सभी सेक्टर्स को जो है कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर मैं इनके क्लाइंट बेस की बात करूं तो काफी रेप्यूटेटेड क्लाइंट्स है, जैसे कि विप्रो, HCL, नोकिया, साइमंस, उसके अलावा माइंडट्री, जेनपेक। तो आप देख रहे हो कि ये आईटी के क्लाइंट से, बड़े बड़े आईटी कंपनी से जो इनके क्लाइंट है। आईटी के अलावा काफी सारे और भी क्लाइंट है, जैसे कि टाटा टेली सर्विसेज है, फिर रेडियो कैताना, माइक्रोलैंड, तो काफी रेप्यूटेड क्लाइंट बेस है इनका। और अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो काफी सारे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईटी स्टाफिंग सर्विस, जनरल स्टाफिंग, रीवेजिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आउटसोर्सिंग, पास थ्रू सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज, मैनेज आईटी सर्विसेज और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये जो सभी सर्विसेज है ये ह्यूमन रिसोर्स का ही एक हम बोल सकते हैं कि कैटेगराइज की हुई है, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही जो है ये सभी सर्विसेज आती जो कि कंपनी ये प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी के अगर मैं प्रमोटर की बात करूं जो कि कंपनी के एमडी भी है और सीईओ है डॉक्टर गौरव मित्तल, तो इनको 14 ईयर्स से जो है इन्होंने कंपनी एस्टैब्लिश की है और इनको 22 ईयर्स से भी ज्यादा जो है ये आईटी कंपनी में जो है सर्व कर चुके हैं। तो कौन से लेवल्स पे इन्होंने सर्व किया हम देख यहाँ पे, जैसे कि चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर रह चुके हैं, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, ऑप्स मैनेजर एंड मैनेजर ट्रांजिशन कैरी। तो ये दोस्तों, ये सभी जो इनके ये सभी पोजिशन पे जो है इन्होंने काम किया हुआ है। और अगर इनके मैं डिग्री की बात करूं तो मास्टर इन फाइनेंस विद इंटरनेशनल मार्केटिंग और बैचलर इन इलेक्ट्रिकल्स, और इनको काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 2009 और 10 में इनको रेड हेयरिंग ग्लोबल अवार्ड मिला था, फिर एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर, फिर गौरव सम्मान। तो ये सभी जो है अवार्ड की लिस्ट है जो इनको मिली हुई है, और इनको जो है काफी सालों का एक्सपीरियंस है और ये एक एंजल इन्वेस्टर भी है। तो प्रमोटर की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग देखने को हमें मिल रही है। अभी दोस्तों, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में इनका अराउंड 8.5 करोड़ के आसपास था। मार्च 2021 के अंदर भी जो अगर आप देखोगे तो इनका 8.5 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे 21 के अंदर सेम रेवेन्यू इसीलिए है तो क्योंकि अगर कोविड के टाइम की पीरियड की बात करें तो कंपनी से इतनी ज्यादा हायरिंग नहीं कर रही थी, इसकी वजह से वहां पे रेवेन्यू जो है इनका सेम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन 22 के अंदर आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, तो 18 करोड़ 20 लाख रुपए का रेवेन्यू 2022 के अंदर था और लास्ट 6 मंथ का रेवेन्यू जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक है अराउंड 16 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। तो काफी जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाया हुआ है रेवेन्यू के टर्म्स में। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 10.5 लाख का प्रॉफिट था मार्च 2020 में, वो बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर 1.19 करोड़ का हो गया और लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट भी जो है इनका 1 करोड़ के आसपास का है। इसका मतलब ये कि मार्च 2023 तक जो है कंपनी का अराउंड 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू और प्लस प्रॉफिट कंपनी का अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। वही नेटवर्थ की बात करें तो 96 लाख का नेटवर्थ था, वो इंक्रीज होते होते अराउंड 4.5 करोड़ का नेटवर्थ हो गया इनका सितंबर 2022 के अंदर। और इनकी जो टोटल बोरिंग्स है वो भी जो है अराउंड 2.25 करोड़ के आसपास है। तो इनका बोरिंग्स जो है इतना ज्यादा नहीं भर है, तो कोई भी कंसर्न वाला फैक्टर नहीं है। सेकेंडली, बोरिंग्स जो है नेटवर्थ से कम है, तो वो भी उसमें भी जो है हमें अभी कोई कंसर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अभी दोस्तों, अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो दो कंपनीज यहाँ पे निकल के आ रही है, पहली जो है इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज और सेकंड जो है ANI इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो दोनों की अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज का ज्यादा है, 7.94 का ईपीएस है, वहीं इटकॉन्स का जो है 4.16 का है। और नेट वैल्यू पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे आईटी कॉन्स का 7.80 का नेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, और वहीं सबसे ज्यादा जो है वो ANI इंटीग्रेटेड का है जो कि 45.89 का है।
और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 7.43 का इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज का है और ANI का 8.85 का है। वहीं IT कॉन्स का ऑन द हायर साइड है दोनों के कंपेयर में, तो 12.26 का जो है इनका ऑन द हायर साइड हमें देखने को मिल रहा है। पर फिर भी दोस्तों मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा 12.26 को, भले इसके पीयर ग्रुप के 7.43 और 8.85 है, पर फिर भी जो ऑन द जो है ये जो 12.26 का है वो ऑन द रीजनेबल साइड हमें देखने को मिल रहा है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क काफी ज्यादा सबसे ज्यादा है IT कॉन्स का, 53.31 का रिटर्न ऑन नेटवर्क है, वहीं इंटीग्रेटेड और ANI का 23 और 12 का है। तो ओवरऑल अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पीयर इस कंपनी से बेटर है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्क सबसे ज्यादा इसका ही है IT कॉन्स का, तो उसमें ये बेटर निकल के आ रही है। अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो टू मीट इश्यू एक्सपेंस, और थर्ड जो रहेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। IPO डेट की बात करें तो 28 फरवरी को ये IPO आएगा और 2 मार्च को ये IPO क्लोज हो जाएगा। और प्राइस जो रखा हुआ है यहाँ पे 51 पर शेयर का रखा हुआ है, और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहेगा वो 12.26 का रहने वाला है। और इश्यू साइज जो है यहाँ पे 8.67 करोड़ का है और पूरा पूरा फ्रेश इश्यू रहने वाला है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और लिस्टिंग जो रहेगा इसका BSE SME में रहने वाला है। HNI कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर से मिस्टर गौरव मित्तल, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपको प्रोफाइल बता दी है, एंड सेकंड जो प्रमोटर से मिस्टर मिसेस स्वाति जैन, तो ये दो कंपनी के प्रमोटर से। अलॉटमेंट की बात करूं तो 8 मार्च तक जो है अलॉट हो जाएगा, 9 मार्च तक जो है रिफंड आ जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 10 मार्च तक, और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है इसका 13 मार्च का रहने वाला है। रिटेल कैटेगरी में जो है 2000 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो मिनिमम जो अमाउंट चाहिए होगा वो 1,02,000 रुपए, और मैक्सिमम भी जो है इतना ही रहेगा। और HNI कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहे तो 4,000 शेयर्स के लिए जो अमाउंट रहेगा वो 2,04,000 रुपए रहने वाला है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग थी IPO आने से पहले, और IPO आने के बाद जो है इनका 59.36% हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी यहाँ पे जो हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी मेजर ऑफ द स्टेक जो है 60% का वो प्रमोटर्स के पास रहने वाला है, तो यहाँ पे कोई भी कंसर्न वाला फैक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसमें इस कंपनी के अंदर जो है हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये कंपनी 2007 से एस्टैब्लिश है, तो काफी सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने आपको बताया कि प्रमोटर जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उनकी प्रोफाइल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लास्ट 22 सालों से प्रमोटर ने IT इंडस्ट्री में काम किया हुआ, तो उनको पता है कि IT इंडस्ट्री कैसे काम करती है, प्लस वहां पे जो है स्टाफिंग वगैरह जो रिक्रूटमेंट वगैरह होता है वो कैसे किया जाता है, तो उनको उनको इस चीज का भी नॉलेज है। सेकंडली इसका जो है अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल्स जो है वो काफी मजबूती से जो है हमें रेवेन्यू और जो इनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस वैल्यूएशन भी जो है ऑन द हम कह सकते हैं कि जो 12 का जो PE रेशो है ऑन द रीजनेबल साइड हमें देखने को मिल रहा है। तो लुकिंग एट ऑल द फैक्टर्स जो है आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हो, और IPO में अप्लाई तभी करना दोस्तों जब आप खुद का एनालिसिस करना और उसके बाद ही अप्लाई करना। मेरे एनालिसिस पे या जो मेरा व्यू पॉइंट है उस पे आप अप्लाई नहीं करना अब, क्योंकि पैसे आपके अप्लाई आपको करना है, तो एनालिसिस भी आपको ही करना है। ये जस्ट मेरा जो है मैंने अपना व्यू बताया, लेकिन आप जो है अपना एनालिसिस करना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इसमें अप्लाई करना है नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।